नमस्कार और आप देख रहे हैं द आरके न्यूज़। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ एमएस धोनी में काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर ने आत्महत्या कर ली। संदीप का शव पुलिस ने उनके मुंबई वाले घर से बरामद किया था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। संदीप ने यह कदम उठाने से पहले फेसबुक पर एक वीडियो और सुसाइड नोट पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों के चलते खुद की जान लेने की बात कही थी। सुशांत के बाद संदीप का इस तरह अपनी जान ले लेना लोगों के लिए काफी शॉकिंग है। अभिनेता संदीप नागर चंडीगढ़ से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के लिए वह मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने कुछ फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। संदीप साल 2016 में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म एमएस धोनी में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने सुशांत के दोस्त का किरदार निभाया था। साल 2019 में संदीप अक्षय कुमार की फिल्म केसरी में दिखे। संदीप ने इस फिल्म में भुट्टा सिंह का किरदार निभाया था। इसके अलावा एक्टर ने साल 2019 में रिलीज हुई सोनाक्षी सिन्हा और बादशाह की फिल्म खानदानी शिवा खाना में भी काम किया। संदीप आल्ट बालाजी के ड्रामा कहने को हमसफर में भी काम किया है। हालांकि इन सारे रोल्स निभाने के बावजूद संदीप को लोग एमएस धोनी में सुशांत के दोस्त के रूप में ही ज्यादा पहचानते हैं। आपको बता दें कि मरने से पहले संदीप ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके साथ उन्होंने एक लंबा नोट भी लिखा था। नोट में लिखा था कि अब जीने की इच्छा नहीं हो रही, लाइफ में काफी सुख दुख रहे, हर प्रॉब्लम को फेस किया, लेकिन आज मैं ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, मैं बर्दाश्त के बाहर। मैं जानता हूँ सुसाइड करना कायरता है, मुझे भी जीना था, लेकिन ऐसे जीने का भी क्या फायदा जहाँ सुकून और सेल्फ रिस्पेक्ट ना। इस नोट में संदीप ने अपनी निजी जिंदगी की उलझनों का भी जिक्र किया। एक्टर ने बताया कि वह अपनी पत्नी की वजह से कितना परेशान है।